हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, मैंने एक वीडियो डाले थे जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि आप डिवाइस मेंटेनेंस का जो न्यू फीचर आया है गवर्नमेंट टैब में, उसके अंदर से आप यूट्यूब कैसे चला सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का उसके अंदर से यूट्यूब चल भी गया था, लेकिन काफ़ी लोग कह रहे थे कि हमारे जो डिवाइस गेयर है उसके अंदर परमिशन के अंदर फ़ोन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो हम उसके अंदर से यूट्यूब नहीं चला पा रहे हैं। तो चिंता मत करो गाइस, आज मैं आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो में देने वाला हूं। मैं आपको बिना फोन वाली परमिशन का यूज़ करे मैं आपको यूट्यूब चला कर देने वाला हूं। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां पर आपको गवर्नमेंट टैब से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। लेट्स गो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना गवर्नमेंट टैब यहाँ पर ओपन कर लिया है, और इसके अंदर दो नए ऐप भी आए हैं। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि इन दो नए ऐपों का जो आपके गवर्नमेंट टैब के अंदर आई है, इनको आप कैसे चला सकते हैं और क्या क्या इनके अंदर होने वाला है, कैसे आप इनको यूज कर सकते हैं अपने गवर्नमेंट टैब के अंदर। तो इस पर नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, उसको भी जाकर देख लेना। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जल्द से जल्द आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं। तो सबसे पहले तो हम YouTube चलाने की देख लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको सिंपली से सेटिंग वाले बटन पर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पर दोस्तों आपको डिवाइस मेंटेनेंस पर क्लिक कर देना है। और अब मैं पहले आपको यहाँ से चलाना सिखाता था, लेकिन अब की बार यहाँ से हम नहीं चलाएंगे। अब की बार दोस्तों यहाँ पर आपको मेमोरी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ चेकिंग होगी, चेकिंग होने के बाद यहाँ पर आपको एक्सक्लूडेड ऐप का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर में प्लस वाला आइकन दिख जाएगा, प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको किसी भी ऐप को यहाँ पर ऐड कर लेना है, जैसे कि मैंने वहाँ पर किसोक आपको ऐड किया हुआ था, तो मैं आपको एक और ऐप ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं कनोक्स ऐप पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड पर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। तो इनमें से आपको किसी भी ऐप पर क्लिक कर देना है, तो मैं स्टूडेंट किसोक पर क्लिक कर देता हूं। अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहां पर आपको परमिशन पर क्लिक कर देना है। और अब की बार यहां पर आप देख सकते हैं कितनी सारी परमिशन आपके पास आ गई है। पहले फ़ोन वाली परमिशन थी, लेकिन अब की बार आपके सामने बहुत सारी परमिशन आ गई हैं। इनमें से आपको कोई सी भी परमिशन पर आप क्लिक कर सकते हैं। मैं कॉल लॉग्स पर क्लिक कर देता हूँ एंड सी ओ लव विद दिस परमिशन पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से आपको शो सिस्टम पर क्लिक कर देना है, और नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको गूगल प्ले सर्विस का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से सी ऑल गूगल प्ले सर्विस परमिशन पर क्लिक कर देना है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको आई का बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने वही वाला पेज ओपन हो जाएगा जो कि मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था। तो मैं आपको इसमें भी यूट्यूब एक बार चला के दिखा देता हूँ, ताकि आपको पूरी तसल्ली हो सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गूगल का ऑप्शन आ गया है, तो मैं सिंपली से गूगल को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ क्रोक्सी प्रोक्सी, एंड यहाँ पर क्रोक्सी प्रोक्सी आप देख सकते हैं ओपन हो गई है। इसके बाद मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ से मैं यूट्यूब पर क्लिक कर देता हूँ, और थोड़ी देर में आपके सामने यहाँ पर यूट्यूब भी ओपन हो जाएगा। तब तक आप वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। तो अभी आप इसको डेस्कटॉप साइट पर कर सकते हैं। पहले मैं इसको एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक कर देता हूँ। एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पर आपको उसके ऊपर कर देना है एंड थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और अब आप डेस्कटॉप साइट इसको कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट हो चुका है हमारा टैब। तो देख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल सही तरीके से आपका यहाँ पर यूट्यूब वर्क कर रहा है। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, जय हिंद।